हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको समाकलन एक्सरसाइज 7.4 ट्वेल्थ क्लास है ना का क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करने वाला हूं। इसके पीछे के वीडियोस में मैंने 16 क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया था, तो आइए देखिए आपका 17 क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में 17 में लिखा हुआ है, समाकलन एक्स प्लस टू बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो इसको बहुत ही ईजी वे में बनाया जा सकता है। देखिए, इसको क्या कीजिए, अलग अलग बांट दीजिए, एक्स बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, फिर प्लस समाकलन टू बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है ना, अब आगे देखिए, इसको मान के बनाएंगे। जैसे इसमें मान लिया मैंने लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो डी वाई बराबर आपका हो जाएगा टू एक्स डी एक्स। तो जबकि ऊपर में एक्स डी एक्स है, तो आगे बढ़ा के आप इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई टू एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको तो आप स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट सूत्र है। तो इसलिए अगला लाइन जो होगा आपका ना, यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी एक्स है, जिसको एक्स डी एक्स को हम डी वाई बाई टू लिख सकते हैं, और नीचे रूट वाई हो गया। अब प्लस टू साइड में कर लिया हमने, डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये जो है ना वन बाई टू, रूट वाई का जो सूत्र होता है टू रूट वाई होता है, हो गया। अब प्लस टू, आप देखिए जब भी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह से आप इसको लिख लीजिए लॉग एक्स, तो एक्स हो गया प्लस रूट में जो है वही लिखना है। आप देख सकते हैं सूत्र यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ पर का दो काट दीजिए, वाई का जो मान माने थे एक्स स्क्वायर माइनस वन, पुट कर दीजिए, आंसर आ चुका है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ई जो हुआ ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, 17 क्वेश्चन का। अब आइए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 18 से सोल्यूशन कराता हूँ। देखिए, आपका 18 क्वेश्चन है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन 18 भी है, बशर्ते आपको ना समझना है कि बनेगा कैसे। 18 देखिए, लिखा है 5x माइनस टू, ठीक बनू, और नीचे में होगी त्योहार। क्वेश्चन को हम घुमा के लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ऊपर भी कुछ आ गया नीचे। तो देखिए, इसको ना ऐसे क्वेश्चन को मानेंगे तो 6x आ जाएगा, नहीं आएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, आपको बहुत ही आसान लगेगा। माना कि 5x माइनस टू बराबर, ठीक है ना, ये मानने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा। 5x माइनस टू बराबर हम लोग मानते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स नीचे वाला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी, ये मानने का तरीका है। ठीक है ना, तो 5x माइनस टू बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी की 6x अब प्लस टू, हाँ ए शुरू में है तो रहने दीजिए, अब प्लस बी। तो 5x माइनस टू यहाँ पे 6ax प्लस 2a अब प्लस बी ये आ जाएगा। अब इसके बाद तुलना कीजिए, देखिए यहाँ पे x का गुणांक 6a है, यहाँ पे 5, तो तुलना जब कीजिएगा ना तो आपका मिल जाएगा 6a बराबर 5 तथा 2a प्लस बी जो है वो मिल जाएगा आपका माइनस टू। तो a बराबर यहाँ से आपका 5 बटा 6 आ रहा है, इसको पुट कर दीजिए और यहाँ पे a के जगह पर रखिए 2 गुने a के जगह पर 5 बटा 6 और प्लस बी बराबर माइनस टू द्वितीय 6। तो आगे देखिए क्या होगा, तो b बराबर जो होगा ना माइनस दो और माइनस 5 बटा 3, तो 3 दूनी 6 और 5 11 बटा 3 माइनस 11 बटा 3। इसके बाद अब देखिए, पांच एक्स माइनस टू डी एक्स जो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोगों ने मान लिया है। अब मानने के बाद इसको देखिए करेंगे क्या, बनाएंगे कैसे वो देखिएगा, बहुत आसान ही लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, बशर्ते आपको अब देखना है। पांच एक्स माइनस टू को आप लिखना है ए, समाकलन पहले लिख लीजिए, ए लिख लिया
ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यानी हाई वाला को देख लीजिए, 6x प्लस 2 लिख लिया, प्लस बी लिखना है, नीचे जो है ना वो वही, तो नीचे आपका है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ये हो गया ना। अब आप जो मान लाए हैं उसको भरिए, तो a का मान क्या लाए, 5/6, समाकलन 5/6, ठीक है, और 6x प्लस 2, अब b का मान क्या लाए, -11/3, उनको भी पुट कर दिया, -11/3, नीचे वाला जो है उसको लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसके बाद आप बांटिए अलग अलग, है ना, तो यहाँ से मैं 5/6 को साइड में किया और लिख लिया 6x प्लस 2 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, फिर -11/3 को साइड किया, समाकलन dx बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे तो आप अगर लेट करते हैं y इक्वल टू नीचे वाला जो भी फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आपका dy बराबर मिलेगा 3 × 6x प्लस 2 dx, ये तो मिल जाएगा। तो इसलिए जब आगे आप बढ़ते हैं तो इस तरह का फंक्शन आपको मिलेगा 5/6 समाकलन 6x प्लस 2 dx, जिसको हम लिख सकते हैं dy, और नीचे वाला को हम लिख सकते हैं y, -11/3 dx। अब यहाँ से आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको बिना पूर्ण वर्ग बनाए हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ने की ज़्यादा कोशिश किया जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √3x का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना, ए स्क्वायर हुआ प्लस बी एस 2ab, तो 2 × √3x, यहाँ 2x चाहिए था, 1/√3 फालतू, 1/√3 फालतू कर दिया यहाँ पे, ये b हो गया तो 1/√3 का स्क्वायर, और फिर माइनस भी कर देंगे 1/√3 का स्क्वायर, लास्ट वाला 1, ठीक है ना, देख सकते हैं। अब देखिए 5/6 1/y का log y, यहाँ तो बन गया -11/3 dx, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये 1/3 हुआ लास्ट वाला, माइनस में प्लस 1, 5/6 log y किसको आप माने थे, तो y देख सकते हैं आपने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मानते हैं, लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/3, ठीक है। अब यहाँ अभी आपको काम करना है, इधर डी एक्स मटा में √3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 3 × 3 एक घटल तो 2/3 बची, प्लस में जरा के लिख सकेंगे 2/√2/3 का स्क्वायर, लिख सकेंगे जाना, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हैं 1/8 tan inverse x/a, ये सूत्र है, तो इसी तरह से आप इसको लिख लीजिए 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/3 1/a, तो 1/a का मान जो है √2/√3 है, tan इनवर्स x, तो x का मान √3x प्लस 1/√3 बटा में √2/√3, a लिखना है ना, और x का गुणांक जो है ना आपका यहाँ पे √3 है, तो √3 हो जाएगा आप प्लस सी। अब इसी का सोल्यूशन करके आंसर तक पहुँच जाना है, 5/6 log, ठीक है ना, 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखिए ये √3 और ये √3 3 हो जाएगा, और ये दोनों कटा देगा, तो -11/√2 यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो tan इनवर्स √3 मिलेगा 3x प्लस 1 बटा में √3 आएगा, और इस √3 को काट देगा तो √2 आप प्लस सी, ये जो होगा आपका सटीक आंसर। तो मैंने इस वीडियोज में आपको क्वेश्चन 17 और 18 का सोल्यूशन करके दिखाया, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।